गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक नया विषय, एक नया टॉपिक, वर्ण विचार समझाने जा रही हूं। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे आ, पा, न, च, र, य, स आदि। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे पवन खेल रहा है, यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। यदि मैं इनके टुकड़े कर दूं तो आपके सामने आ जाएगा पवन खेल रहा है। ये अलग अलग शब्द है। पवन, पवन पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ से मिलकर बना है। खेल खा प्लस ए प्लस ला प्लस आ, रहा र प्लस आ प्लस हा प्लस आ, है ह प्लस ए। बच्चों आप देख रहे हो इन सब के नीचे एक छोटा सा चिन्ह है। पा के नीचे, वा के नीचे, ना के नीचे, खा के नीचे, ला के नीचे, रा के नीचे, हा के नीचे और हा के नीचे, इनको हलंत कहते हैं। क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वो अपने आप में स्वर के बिना अधूरे हैं। ये सभी वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं किए नहीं हो सकते, इसलिए हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या अक्षर कहलाती। वर्णमाला, फूलों की माला तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको पॉइंट टू वर्णमाला बताना चाहूंगी कि वर्णमाला क्या होती है। यदि मैं आपको फूल दूं तो आप उसकी एक माला एक मिनट में बना देंगे। इसी तरह सेम हिंदी में कुछ वर्ण होते हैं जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। परिभाषा, वर्णों के निश्चित एवं व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। स्वर, आ से लेकर ओ तक ये सभी 11 वर्ण हैं। अयोगवाह, अंग आहा, ये 2 अयोगवाह हैं। व्यंजन, व्यंजन का से लेकर हा तक 33 व्यंजन हैं, लेकिन ये स्वर के बिना अधूरे हैं। संयुक्त व्यंजन जो कि संख्या में 4 हैं, श, त्र, ग, श्र। अन्य वर्ण जो कि 2 हैं, ड, ढा। कुल मिलाकर ये सब 52 वर्ण होते हैं। इस वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। मैं आपको उम्मीद है कि आपको ये लेसन, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगी कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अब तुम इजिली दे सकते हो। प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजन की संख्या बताइए, ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।